السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. हमने इस कुरान को नसीहत के लिए आसान किया है कोई नसीहत हासिल करने वाला। हम तो दुनिया की तमाम तालीमात को बहुत आसानी से समझ लेते हैं, बहुत आसानी से हासिल करते हैं, लेकिन कुरान एक ऐसी तालीम है जिसको हम क्या है मुश्किल बना लेते हैं। जैसे कि आप देखें, जब पहला बच्चा किसी स्कूल में दाखिल होता है तो उसके लिए जब अल्फ़ाबेट से जब वो लिखने लगता है तो उसके लिए पहला जो हर्फ लिखना होता है उसके लिए बहुत मशक्क़त होती। जैसे कि तेलुगु लेटर आ, यानी तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट ए, जिसमें बहुत सारे स्ट्रोक्स रहते हैं। लेकिन अरबिक सुभान अल्लाह, अल्लाह सुभान ताला, उसका पहला हर्फ अलिफ बहुत आसानी से एक बच्चा पढ़ सकता है, लिख सकता है। जैसे कि बा ता सा एक जैसे हैं, जीम हा खा एक जैसे, इसी तरीके से तमाम हरूफ क्या है अल्लाह सुबहाना ताला एक आसानी का एक निशानी है। कुरान वैसे भी अल्लाह सुबहाना ताला उसको हार्ड नहीं बना, 30 पारे होने के बावजूद भी एक इंसान उसको अपने दिलों में बहुत आसानी से महफूज कर सकता है, उसको याद रख सकता है। सुबहान अल्लाह, अल्लाह सुबहाना ताला उसको हमारे लिए आसान बनाया है। हम उसको पढ़ना चाहिए, उससे हम नसीहतें हासिल करना चाहिए। अगर हम इस दुनिया की तालीमात के पीछे ही, दुनिया की मसरूफियत ही के पीछे रहेंगे तो हम कुरान कब पढ़ेंगे? इस कुरान को हम पढ़ेंगे ही नहीं तो हम अपने ज़िंदगी का मकसद हम कैसे जान पाएंगे? हम अपनी ज़िंदगी का मकसद तो जानना बेहद ज़रूरी है। अल्लाह सुब्हान व तआला इस दुनियावी ज़िंदगी के बाद एक और दुनिया है जिसमें हमें जाना है, वो आखिरत की ज़िंदगी। आखिरत की ज़िंदगी की कामयाबी का पूरा सिलेबस अल्लाह सुब्हान व तआला इस किताब में मौजूद रखा है। तो हम इस कुरान को पढ़ेंगे ही नहीं, उस पर अमल करेंगे ही नहीं तो उस आखिरत की ज़िंदगी में हम कैसे कामयाबी हासिल करेंगे? उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु एक मरतबा फरमाते हैं, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते सुना कि इस कुरान मजीद बहुत लोगों को उरूज और उरूज देती है और बहुत से लोगों को क्या है पस्त और ज़िल्लत कर देती हैं। यानी कुरान मजीद की वजह से लोगों को अल्लाह सुब्हान व तआला क्या है उरूज अता फरमाते हैं, इज़्ज़त अता फरमाते हैं, और बहुत से लोगों को इसी कुरान मजीद से क्या है ज़िल्लत और पस्ती अता फरमाते हैं। यानी इस हदीस से हम आपको ये पता चलता है, ये इनफरादी तौर पर नहीं बल्कि इज्तमाई तौर पर कौमों का जिक्र आया है इस हदीस में है। यानी पूरे कौम क्या है इस कुरान को छोड़ देने पर, इस कुरान से दूर रहने पर उसका जवाल शुरू हो जाता है। आज उम्मत मोहम्मदिया इस समाज में बहुत सारे ज़िल्लतों, बहुत सारे परेशानियों से दो चार हो रही है। इसकी वजह ये है कि हम कुरान की तालीमात को छोड़ बैठे हैं, हम कुरान की तालीमात से दूर हैं, उससे पढ़ने से भी और उस पर अमल करने से भी। इसीलिए हमें चाहिए कि इस कुरान की तरफ पलटें, इस कुरान की तरफ आएं। जमात इस्लामी हिंद जो है रुजू इलल कुरान नाम से एक मुहिम चला रही है 14 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर तक। इंशाल्लाह आप तमाम लोग भी इस मुहिम में शामिल हैं। आइए हम कुरान सीखेंगे और हमारे कुरान को बेहतरीन बनाएंगे और हम इस कुरान पर गौर करेंगे, फ़िक्र करेंगे और उस पर अमल करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।